you're watching HPTV युवा, क्योंकि जमाना है विदा यंगस्टर्स का, यू वॉचिंग योर फेवरेट शो खाते रहो, जहाँ हम आपको लेकर जाते हैं जयपुर के फेमस फूड सेंटर्स और पहुँचाते हैं आप तक वहाँ का जायका। फूडीज आज खाते रहो की टीम आप पहुँची है मालगुड़ी कैफे, जो कि लोकेटेड है मानसरोवर लिंक रोड पर। दोस्तों, भूख लगती है तो भैया सबसे पहले हम यंगस्टर किसकी तरफ मूव करते हैं कि भैया पास्ता और कोल्ड कॉफ़ी, सीज़न कुछ ऐसा है। लोगों को लगता है कि सीज़न के अकॉर्डिंग फूड खाना चाहिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। होता है सीज़न के अकॉर्डिंग हम फूड खाते हैं, पर पास्ता तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट होता ही है, और उसके साथ हमें मिल जाए ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी तो कहने ही क्या। फूडीज़ इस वक्त मेरे साथ हैं बड़ी क्यूट सी दो बच्चियाँ, जो भैया मैं सबसे बात कर रही थी, पर ये लोग इन्जॉय कर रही थी अपनी कॉफ़ी और पास्ता बिना किसी भी मतलब टेंशन के, वरीज के कि क्या मतलब कैसा है, बस इन्जॉय कर रही थी। तो चलिए इनसे जानते हैं कैसा लगा पास्ता। पास्ता अच्छा था, उसके अंदर वेजिटेबल्स भी सारी बेक थी, सब अच्छा था पास्ता के अंदर, टेस्ट भी अच्छा था। भैया इन्हें बता दिए ने तो पास्ता बहुत अच्छा लगा, पर आप बताओ आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा, कोल्ड कॉफ़ी या पास्ता। कोल्ड कॉफ़ी। अच्छा, जब भी बाहर जाते हो तो मम्मी को क्या बोलते हो कि कोल्ड कॉफ़ी पीनी है या फिर पास्ता खाना है या कुछ और खाना है। कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। अच्छा, आप मुझे बताओ यार किसके साथ ज़्यादा पसंद करते हो, कि कई बार मम्मी को बताते हो कि बाहर जाना है या फिर पापा को। ज़्यादातर तो मैं दोनों के साथ जाती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा दोनों के साथ ही आता है, लेकिन अकेले के साथ मैं कभी गई नहीं हूँ, तो पापा के साथ। सो क्यूट एंड स्मार्ट आंसर भाई, अकेले तो वो कभी गई नहीं है। और अगर एक का नाम ले ली थी कि पापा मम्मी किसके साथ मज़ा आता है, तो भैया एक के साथ जाना बंद था। चलो ये बता दो, मम्मी के हाथ का खाना ज़्यादा पसंद करते हो या बाहर का। बाहर का। देखा कितने मतलब आजकल के हमारे बच्चे फॉरवर्ड हो चुके, सीधा फटाक से बोल दिया कि मुझे तो बाहर का खाना पसंद है। आपको कहाँ का ज़्यादा पसंद है, घर का या बाहर का। बाहर का। भैया आज तो इन्हें मम्मी बहुत ही ज़्यादा मारने वाली है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। फ्रेंड्स, ये हैं उन्हीं क्यूट सी बच्चियों की मम्मी। भैया आपके बच्चों ने तो साफ कह दिया उन्हें बाहर का खाना पसंद है, आपको कहाँ का ज़्यादा पसंद है। ऑब्वियसली बाहर का खाना ही अच्छा लगता है, आजकल बच्चों को भी बाहर का ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मम्मा को भी फिर बाहर ही जाना पड़ता है, बिकॉज़ एक ये फैशन बन चुका है ईट आउट, सैटरडे संडे, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वीक डेज में भी हम बाहर ही चल पड़ते हैं। ग्रेट यार, कितने फॉरवर्ड हो गए हम लोग, ना मम्मी को घर का खाना पसंद है ना बच्चों को घर का खाना पसंद है। अब ये बताइए कि बाहर जब भी खाने खाने जाती हैं तो किसके साथ जाना पसंद करती है, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे, किन के साथ आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। फैमिली। फैमिली में हस्बैंड, बच्चे सभी आ जाते हैं। अच्छा, बाहर जाती हैं तो एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है ये तो ऑर्डर करनी ही चाहिए, इसके बिना मेरा लंच डिनर अधूरा है। पिज़्ज़ा। इस वक्त मेरे साथ हैं एक आंटी जो अपने मॉकटेल इन्जॉय कर रही हैं। चलिए जानते हैं इनसे कि आपको बाहर आना कितना पसंद है। मेरे को बाहर आना तो पसंद है, कुछ बच्चों को ज़्यादा पसंद है। भाई बच्चों को लेके आएं तो ये मालगुड़ी कैफ़े है, इसमें छोटी जगह में ज़्यादा स्पेस है, बैठने में बच्चों को ले कर यहाँ खाने पीने में ज़्यादा आराम है। दूसरी बात, यहाँ ओपन किचन है, जो भी अपने को ऑर्डर करना है तो सामने आँखों के सामने बनता है, ये नहीं है कि इसमें सफाई नहीं है, इसमें ये डाल दिया वो डाल दिया, तो ये चीज़ ज़्यादा पसंद। अच्छा ये बताइए कि आप अंकल को खुद अपने हाथों से बना के खिलाना ज़्यादा पसंद करती हैं या फिर कहती हैं नहीं यार अब बहुत हो गया अब बाहर चल के खाएंगे। नहीं, वैसे तो घर में बना के खिलाते ही हैं, पर कभी कभी बच्चों के साथ बाहर भी आ जाते हैं,
भाई वीक में एक बार तो बाहर आ ही जाते हैं। दोस्तों मेरा फेस का रिएक्शन देख के ही आप समझ गए होंगे कि भैया मुझे तो पास्ता बहुत अच्छा लगा। नो डाउट जैसा मैं कह रही हूँ कि पास्ता बहुत यम्मी है, बहुत अच्छी तरीके से इसे बनाया गया है, स्पेशली ये मशरूम पास्ता है। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे मशरूम बिल्कुल नहीं पता, आप लोगों को तो पता ही है, पर हाँ इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया कि मुझे मशरूम का इतना टेस्ट नहीं आया और जो भी इसके अंदर फ्रेग्रेंस वगैरह आ रहे थे, जो भी टेस्ट आ रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहे थे। भाई ये तो बात हो गई पास्ता की, अब बात करते हैं ये यमी यमी कोल्ड कॉफ़ी की। जितनी अच्छी तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है उतनी ही डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा यमी है। और इसके अंदर जो चॉकलेट्स है ना उसे एक्सेस में डाली गई है। भैया चॉकलेट लवर्स के लिए तो ये एक कहो ना बम्पर ऑफर है। कोल्ड कॉफ़ी हम लोगों को बहुत पसंद होती है और उस पर स्पेशली आपको बहुत सारी चॉकलेट मिल जाए तो बात ही क्या है। फ्रेंड्स इस वक्त मेरे साथ है मालगुड़ी कैफे के ओनर संजीव जी, तो चलिए इनसे जानते हैं। संजीव जी बहुत ही अलग सा नेम है, कैसे रखा आपने ये नेम? पहले तो थैंक यू कहूँगा आपको, और थोड़ा सा थीम कुछ लेने की कोशिश की है। आर के नारायण का सीरियल आता था पहले मालगुड़ी डेज, तो थोड़ा सा विलेज लुक वगैरह लिया, थोड़ा रफ टफ बनाया है, और आजकल के यंगस्टर्स को देखते हुए और बाकी सीनियर सिटीजन वगैरह के हिसाब से और ऑफिसेज के हिसाब से भी जिन लोगों को मीटिंग पॉइंट के लिए अच्छे ही जगह मिले और यहाँ बैठ के उन लोगों को मतलब थोड़ा सुकून मिले, थोड़ा सा हाइजीन वगैरह का भी हम लोगों ने ध्यान रखा है, हमारा सारा स्टाफ ट्रेंड है, और कोशिश की है कि जयपुर वासियों को एक अच्छा कैफ़े दिया जाए। अच्छा ये तो आपने बता दिया कि आपने नेम कैसे रखा है, अब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने मुझे अभी सर्व करी है कोल्ड कॉफ़ी और पास्ता, तो आपने कैसे सोचा कि आपकी रेस्टोरेंट की यूएसपी इन्हीं को बनानी है? अब आजकल के यंगस्टर्स को देखते हुए कुछ नई चीज़ टेस्ट कुछ डेवलप करना था। मशरूम पास्ता ऐसी चीज़ है जो एकदम से लगता है, मशरूम के नाम से लोगों को लगता है कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब इसको बना के देखते हैं, जब हमारे ट्रेंड शेफ और बेरिस्ता वगैरह इन चीज़ों को बनाते हैं और अपने तरीके से प्रिपेयर करते हैं, कुछ इस तरह की वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनको डाल के प्रिपेयर करके जब अपन इसको हम लोग जब टेस्ट करते हैं या आजकल के यंगस्टर्स टेस्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। और इसमें है ना टेस्ट अच्छा लगने के साथ साथ प्रिपरेशन भी अच्छी लगती है उन लोगों को। कॉफ़ी की भी अगर बात करूँगा तो इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर वगैरह इस तरह के दिए हैं चॉकलेट्स वगैरह के, उस वजह से अच्छा बनाए हैं। चलिए आपने बता तो दिया कि ये आपने क्यों सोचा कि इसे यूएसपी बनानी चाहिए, आपने क्यों ऐसा सोचा कि यार मालगुड़ी कैफ़े है यंगस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट करेगा, क्या ऐसी चीज़ है कि आपको लगा यार ये चीज़ यंगस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट करने वाली है? थोड़ा सा थीम हम लोगों ने ऐसी लगी, थोड़ा सुकून मिलेगा यहाँ पे बैठ के, कुछ हम लोगों ने यहाँ मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट किया है, थोड़ा हाइजीन वगैरह का भी ध्यान रखा है, फूड हम लोगों ने यंगस्टर्स के हिसाब से इटालियन फूड रखा है जिसमें पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह हैं, कुछ मॉकटेल्स रखे हैं, आइसक्रीम शेक्स हैं, स्मूदीज़ है, और जो भी मटेरियल इसमें यूज किया हुआ है बहुत बेस्ट और अच्छी क्वालिटी का है। उसके अलावा हमारा स्टाफ तो ट्रेंड ही, हम लोगों ने कोशिश की है पूरा सफाई का हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं यहाँ पे। दूसरा कुछ इंटीरियर में कोशिश की है इस तरह का कि कुछ वॉल पेंटिंग्स वगैरह हमने मालगुड़ी डेज के हिसाब से कुछ थीम रखते हुए बनाई है, कुछ हम लोगों ने एम्बियंस पे ध्यान दिया है, साइड की वॉल वगैरह से बाहर का भी हम उसमें जो व्यूज़ दिखता है वो काफ़ी अच्छा है, कुछ ऊपर रूफ़ को भी रफ टॉप बनाया है हम लोगों ने, लुक ऐसा दिया है, हैंगिंग लाइट्स वगैरह दी है, आगे ओपन किचन दिया है हमने, लाइव सब कुछ दिखता है,
ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसके पीछे आपको कुछ और हाइड करना है हम लोगों को या ऐसा कुछ, हर कुछ सारी चीज़ें देखते हुए कोई भी यहाँ देख सकता है सब चीज़ों को, कैसे बनता है, क्या बनता है, किस तरह से प्रिपरेशन होती है, किस तरह से सफाई का ध्यान रखा जाता है, क्या मटेरियल यूज हो रहा है। स्टाफ है जो काफ़ी रिस्पेक्टेबल स्टाफ है और काफ़ी मतलब सब चीज़ों का ध्यान रखता है। जो भी लोग आते हैं हमारे यहाँ पे उनको एक हमने कोशिश की कि अच्छा एनवायरनमेंट दे, सारी फैसिलिटी उनको मिले और एक सुकून मिले, उनको यहाँ बैठ के अपना टाइम स्पेंड करें वो, ये है। सही बात है भैया, वेन्यू तो इम्पॉर्टेंट होता ही है जब भी हम लोग बाहर जाते हैं। चलिए बताइए कि एक ऐसी स्पेशल चीज़ जो आप हमारे यंगस्टर्स को कहेंगे कि वो आपके कैफ़े में आ रहे हैं तो उन्हें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हमारे कैफ़े में आए तो एक जो हमारा पास्ता है, मशरूम पास्ता और मालगुड़ी स्पेशल कॉफ़ी, ये आप ज़रूर यूज़ करके देखें अगर मैं कहूँगा तो। बाकी मेरे मेन्यू को अगर देख के, क्योंकि सारी चीज़ ही वैसे तो स्पेशल है लेकिन आपने एक चीज़ पूछी है इसलिए एक चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज़ मेरी तरफ से तो ए टू जेड सारा ही मेन्यू अच्छा है। फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे साथ हैं दो पास्ता लवर्स जो अपना पास्ता एंजॉय करें। चलिए जानते हैं इनसे कि इन्हें पास्ता कितना पसंद है। बताइए आपको पास्ता कितना पसंद है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, माय नेम इज़ प्रीति जैन, आई एम ए एस्टेब्लिश राइटर, ट्रेडिशनल चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा शौकीन रही हूँ। तो जब मैंने नाम सुना मालगुड़ी डेज तो मुझे बचपन की याद आ गई, मैंने कहा जाके देखना चाहिए कैसा है क्या है। तो इसकी जो ये थीम देखी विलेज की, बिल्कुल ऐसा लगा कि बस दिस इज़ रियल इंडिया। उसके बाद फिर मैंने ये पास्ता और पिज़्ज़ा वगैरह यहाँ का खा के देखा तो ऐसा लगा जैसे कि मेरी मदर ने ही बनाया है, मतलब इतना रियल टेस्ट। एंड ये लोग बोल रहे हैं कि हैंडमेड है और लग भी रहा है, पास्ता भी है, बिल्कुल ऐसा लगा, ऐसे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ आर्टिफिशियल बाहर का मसाला डाला हुआ है, सब कुछ एकदम घर जैसा। जैसे मम्मा के हाथ से खाते हैं तो मम्मी सारी मिक्स वेजिटेबल वगैरह इस हिसाब से बना देती है कि हमें बहुत अच्छा लगता है, पकड़ भी नहीं पाते, उसी तरह से ये मतलब लग ही नहीं रहा कि हम लोग कहीं कैफ़े या होटल में बैठ के खा रहे हैं, एकदम घर जैसा फील हो रहा है। ऐसे ही मैंने यहाँ का पिज़्ज़ा वगैरह भी खाया, कॉफ़ी वगैरह भी पी, एवरीथिंग इज़ वेरी डिलीशियस एंड हैंडमेड है तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि घर के जैसा है और काफ़ी पीसफुल लग रहा है मुझे। थीम भी ऐसे लग रहा है कि आजकल मॉडर्न युग में काफ़ी ऑर्केस्ट्रा वगैरह और हेडेक वाली चीज़ें लगती कि यार जल्दी चलो बाहर निकलो, क्या है ये, एकदम अंग्रेज कहाँ आ गए हम लोग। अब ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल अपने घर के आसपास ही कहीं बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। इन्होंने ये तो बता दिया कि इन्हें पास्ता खाते ही भाई अपनी मम्मी की याद आ गई, पर जब भी बाहर जाते हो तो ज़रूरी है कि सिर्फ पास्ता ही टेस्ट करते हो, फिर फूडियों के अलग अलग चीज़ें पसंद है, अलग अलग वेराइटी ट्राई करती हूँ, इसीलिए ये भी एक कारण था कि चलो देखते हैं कि नाम अलग है तो देखते हैं कुछ होगा भी अलग, खाना भी अलग होना चाहिए, खाली नाम अलग होने से क्या होता है। तो खाने में सब कुछ एवरीथिंग इज़, इन्होंने एक्चुअली में रिसर्च भी की है, टेस्ट में भी रिसर्च की है बोल रहे हैं, तो हमें लग भी रहा है खाने में फ्लेवर अलग अलग डाला है इन्होंने, कॉफ़ी वगैरह का भी काफ़ी अलग अलग डिफरेंट टेस्ट लगा, पिज़्ज़ा की भी काफ़ी अच्छी वेराइटी लगी, मतलब बेस काफ़ी मोटा ना हो के पतला क्रंची, इसी तरह से पास्ता में भी मशरूम वगैरह का पता नहीं चल पा रहा है। जनरली जैसे मैं जैन हूँ तो मेरे बच्चे वगैरह बोल देते हैं मम्मी मशरूम में हमें अलग सा टेस्ट आ रहा है, नहीं खाएंगे, बट इसको खाए तो उन्हें लग ही नहीं रहा, आराम से खा रहे हैं। ऐसे ऑलिव वगैरह भी हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। अच्छा आप बताओ कि यार दिखने में तो बिल्कुल फूडी नहीं लग रही, फूडी हो या नहीं हो? आई एम वेरी फूडी, वो भी आपको लग नहीं रहा है, बट आजकल की जनरेशन को तो आप जानते हो, वीक में 4 times दे वॉन्ट टू गो आउट एंड हैव टू ईट आउटसाइड फूड, एंड पर्सनली सेइंग आई एम अ ग्रेट पास्ता लवर, सो लाइक आई ऑल्सो ट्राई वेराइटी फूड, बट पास्ता इज स्पेशल, मतलब इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द डाइट, नो नीड टू यू नो थिंक ट्वाइस अबाउट दैट। सो और यहाँ का पास्ता इट्स लाइक रियली टेस्टी। वैसे तो आई ऑल्सो ट्राइड पिज़्ज़ा, इट्स थिन क्रस्ट एंड
talking about not only food, because food is USP of every cafe, but the environment. When youngsters go out, they also, you know, see the environment, how's the environment of the cafe. And I personally like that it's very peaceful and you can, you know, sit alone and also enjoy the food and enjoy the, you know, sound music. And the locality also affect the cafe much, like obviously the institutes around the cafe, they also influence the footsteps in the cafe. So I like, obviously this cafe is this is my first visit and I obviously enjoyed it very much, and I will and definitely visit it twice definitely. अच्छा भाई इतना कुछ बता दिया तो ये भी बता दो, फूडी हो तो क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? I have already told you I like pasta and Italian. Basically Italian is my favorite. And talking about Indian, I like dal bati. So yeah, great. वेल फ्रेंड्स, आज के हमारे शो में बस इतना ही. अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त. तब तक हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो और हाँ खाते रहो.